जांजगीर चांपा जिला में बोरवेल में गिरे 10 साल के बच्चे को बचाने के लिए पिछले 18 घंटे से रेस्क्यू जारी है। बोरवेल के ठीक बगल में 50 फीट से ज्यादा की खुदाई हो चुकी है। पाइप के माध्यम से राहुल को ऑक्सीजन दिया जा रहा है। बोरवेल से राहुल की आवाज और उसकी हलचल पूरी तरीके से दिखाई और सुनाई दे रही है। शुक्रवार दोपहर 2 बजे के आसपास वह बोरवेल में गिर गया था, जिसके बाद से वह वहीं फंसा हुआ है। इसके लिए छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बच्चे को सुरक्षित निकालने के लिए निर्देश दिए हैं। प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और प्रयास कर रही है कि जल्द ही राहुल को निकाला जाए। प्रशासन ने कहा 65 फीट की खुदाई की जाएगी, इसके बाद टनल बनाने का काम शुरू होगा। अनुमान लगाया जा रहा है बच्चे को निकालने में अभी 6 से 7 घंटे का वक्त और लग सकता है। प्रशासन ने शुक्रवार शाम 5 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा है। पिछले 18 घंटे से यह अनवरत जारी है। एनडीआरएफ का कहना है पहले 65 फीट गड्ढा कर रहे हैं, इसके बाद टनल को बनाया जाएगा, उसे हाथ से खोदा जाएगा। एनडीआरएफ की स्पेशल टीम टनल बनाने का काम शुरू करेगी। पहले बताया गया कि 4 घंटे में काम हो सकता है, मगर अब कहा जा रहा है 6 से 7 घंटे अभी और वक्त लगेंगे। प्रशासन ने कहा कि समय इसलिए भी ज्यादा लग रहा है कि गड्ढे में क्रेशिंग पाइप नहीं डला है, इस वजह से हम गड्ढे को दूर से खोद रहे हैं। यदि पास से खोदेंगे तो वाइब्रेशन से मिट्टी धसक सकती है और बच्चे को खतरा हो सकता है। बच्चे ने रात को 1 बजे के आसपास मूवमेंट करना बंद कर दिया था, जिसने प्रशासन को चिंता में डाल रखा था। सुबह 5 बजे के आसपास मूवमेंट होने लगा, इस बात सभी ने थोड़ी राहत की सांस दी है। लोगों ने बताया कि राहुल के पिता लाला साहू के घर की बाड़ी में बोर खुदवाया था, वह बोर फेल हो गया, इस बात बिना क्रेशिंग डाले और बोर को खुला छोड़ दिया गया, इसमें राहुल खेलते खेलते गिर गया था। यह भी पता चला है कि लाला साहू ने घर की बाड़ी में दूसरा बोर भी खुदवाया है। हादसे के बाद से ही राहुल की माँ और उसके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हर कोई यह उम्मीद लगाए बैठा है कि जल्दी से राहुल को बाहर निकाला जाए। पूरे गांव के लोग भी रात भर उसी जगह पर टिके हैं जहां पर बच्चा गिरा हुआ है। राहुल अपने माँ बाप का बड़ा बेटा है, उसका छोटा भाई 2 साल छोटा है। कटक और बिलासपुर से एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है। आप बता दें प्यारित गांव का राहुल उम्र 10 साल पिता लाला साहू रोज की तरह शुक्रवार दोपहर घर के पीछे अपनी बाड़ी में खेल रहा था। दोपहर 2 बजे के बाद उसका कुछ पता नहीं चला, परिजन भी इस बात से बेखबर थे। पता चला कि उन्हें इसी बारे में तब पता चल सका जब घर के ही कुछ लोग बाड़ी की तरफ गए, उधर राहुल के रोने की आवाज सुनाई दी। गड्ढे के पास जाकर देखने पर पता चला कि आवाज अंदर से आ रही थी। बोरवेल का गड्ढा 80 फीट गहरा है, बच्चा लगभग 50 फीट गहराई में फंसा है। मौके पर आसपास के लोग मौजूद हैं। यह भी बताया जा रहा है बच्चा मानसिक रूप से कमजोर था, जिसके कारण वह स्कूल भी नहीं जाता था, घर पर ही रहता था। इधर खबर लगने के बाद से परिजन और आसपास के लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि राहुल जल्द से जल्द बाहर निकल आए। बने जिला प्रमुख व ब्लॉक प्रमुख रिपोर्टर और पाए मौका प्रदेश की सबसे बड़ी न्यूज चैनल छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज के साथ जुड़ने का। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।